ये बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जुलूस निकला ये बहुत कामयाब हुआ है, इसके लिए मैं बहुत सबका जनता का आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हमने जो भी प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, ये हमारे जो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र है मुजीब अशरफ साहब उनकी क़यादत में हुआ। हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास किए हैं CRB और CAB और NRC, इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में हम लोग थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, CAB जो इन्होंने एक्ट लाए, CAA, ये एक्ट के थ्रू जो इंडियन मुस्लिम्स है या इंडियन की पब्लिक है जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से उनको देश के बाहर जाना पड़ेगा। और जो इन्होंने 3 कंट्रीज़ का नाम लिया है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अगर वहाँ से कोई प्रताड़ित लोग इंडिया में आना चाहते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी डॉक्यूमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी। और जो इंडिया के लोग हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए ये कानून में कोई दम नहीं है और ये कानून जो है वो बांटने के लिए बना है लोगों को, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसी के अगेंस्ट हम खड़े हैं। और ये जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा प्रोटेस्ट जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा प्रोटेस्ट बना रहेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना है? बस बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके।